मैंने माइनक्राफ्ट में ऐड करे 100+ मोड, जो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। इसमें डिफरेंट डिमेंशन से लेकर डिफरेंट बायोम, स्ट्रक्चर्स, आर्मर्स एंड वेपन्स जिनका डैमेज 300 तक है, बट जितना पावरफुल वेपन उतना रेयर होगा उसको क्राफ्ट करना। एंड आज मैं इन मोड्स के साथ अपनी एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हम सब लोगों को बहुत मजा आएगा। एपिसोड 1 नागा फाइट। शुरू होते ही मेरे को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, विच इज ऑसम यार। ओके तो ये व्हाट मेरे को जितना याद है कि ये जो चीज है ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक्चुअली ये जो है ये इसका ऊपर का पार्ट है। हाँ यस यस, मतलब ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ये एक टावर है जिसका अपर पार्ट ये है, जो मेरे को नहीं पता कि इसका अपर पार्ट यहाँ जमीन पे क्यों है। पता नहीं कोई ग्लिच विच हुआ है यार, आई डोंट नो व्हाई। एंड मुझे यहाँ पे शुरू में ही वेस्ट स्टोन मिल चुका है एंड लेट्स जस्ट क्लिक इट। ओके यहाँ पे एक चेस्ट भी है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन 3 की बुक ना, और कुछ फेदर्स मिले जिसको एरो बनाने में काम आएगी, और एक आयरन ना, एक एमरल्ड भी मिला है, ले लेते हैं क्या है। एंड मैं यहाँ स्पॉन हुआ, मुझे कितने सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे, और यहाँ पे एक रून पोर्टल भी है। डूड एम आई सम काइंड ऑफ लकी गाय? अगर मैं इतना ही लकी हूँ तो लाइक कर दो जरा प्लीज प्लीज। मैं लोग का बैग छीन लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, और यहाँ पे एक चेस्ट भी है। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड एंड नाइस। What is this? This tool can play the torch at a cost of 9 durability. What? What? यहाँ पे फायर लगा है भाई, इन लोग का घर जला दिया ये रून पोर्टल ने। Dude, your house has been burned by the this structure. What the heck? मैंने अभी रियलाइज करा मेरे पास यहाँ पे दो एक्स्ट्रा हार्ट है। Why? Is it because of this lagging? एक मिनट, अगर मैंने इसको उतारा तो ना, I don't know why. क्या मेरे पास शुरू से दो एक्स्ट्रा हार्ट थे? मुझे नहीं पता। ओ गॉश, व्हाट इज दिस थिंग? गोल्डन ग्लोव? मुझे नहीं पता सच्ची में। क्या मैं इसको हाथ में पहन सकता? व्हाट व्हाट व्हाट, एक मिनट, ये क्या चीज है? ए ए ए ए, रुक जा रुक जा। व्हाट, ये क्या चीज है यार? ये मैंने हाथ में पहन रखा है, बट फॉर सम रीजन अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं इसको निकालो किससे। यहाँ पे मेरे पास इन्वेंटरी के अंदर कुछ चीजें आई है। आई हैव नो आईडिया व्हाट द हेल थिंग इज दिस थिंग। मैं मानता हूँ कि ये सब मोड्स मैंने ही लगाए, बट मुझे नहीं आईडिया कुछ भी। ओ ये रहा, और यहाँ पे मैं और भी बहुत सारी चीजें पहन सकता हूँ। एंड व्हाट इज दिस क्राउन फेस? माउस स्किन? व्हाट What the heck is this thing? Dude, और ये क्या है यार? मैंने ये मोड नहीं लगाया था, ये कौन सा मोड है? Donate the project to get more skin. Okay, I think so, ये कुछ buy करने वाला सिस्टम है, तो I don't wanna buy the things, क्योंकि I don't have money. Yeah, I really don't have money. I'm poor. Please help me to boost my channel. मुझे please 20K subscribers करवाने में मदद करो. Please. ओके बहुत हो गया, अब मैं ऐसा बरकत नहीं करने वाला हूँ। और एक सेकेंड, मुझे अजी हुए चेस्ट लूटने की बाकी है। मैंने लिटरली माइनक्राफ्ट का रूल ब्रेक कर दिया है। लोग सबसे पहले आके माइनक्राफ्ट के ट्रीज को तोड़ते हैं और मैं स्ट्रक्चर्स को लूटता हूँ। आई एम सो लकी इन दिस थिंग, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज सब्सक्राइब। ओके ओके नाइस, यहाँ पे लोग का पूरा का विलेज बना हुआ है यार। ओके तो मैंने ये पूरा विलेज लूट दिया है। आई डोंट नो ये विलेज था या क्या था, क्योंकि यहाँ पे सारे घर वूल से बने। आई डोंट नो व्हाई, ये लोग के पास वूल बहुत ज्यादा है लेकिन लकड़ियाँ कम है, विच इज प्रीटी ऑसम, आई लाइक इट। या और मैं तो अभी यहीं तो स्पॉन हुआ था। मैं बताऊँ, मैं यहाँ ये टावर के ठीक यहाँ ये पर्टिकुलर एरिया में स्पॉन हुआ था मैं। एंड सिर्फ रिकॉर्डिंग करते हुए कितनी मिनट हुई आई डोंट नो, बट मैंने लिटरली 5 मिनट के अंदर इतनी सारी लूट कलेक्ट कर लिए, विच इज इनसेन। ये अभी तो ये बड़ा सा टावर लूटना तो बाकी है डूड, जिसमें और मजा आएगा। ये अब ये अजीब से दिखने वाली जगह में क्या है? एक मिनट, व्हाट इज दिस थिंग? वैली कहते हैं इसको, मतलब यहाँ से ये कोल्ड्रन को नीचे फेंको और पानी निकालो, बट ये क्या चीज है? ये स्मोक का एक है, क्या मुझे अंदर जंप करना चाहिए? क्या कहते हो तुम लोग, क्या मुझे अंदर जंप करना चाहिए? ओके मैं जंप कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैं मरूंगा या नहीं, बट मैं एक्स को हाथ में लेने वाला हूँ एंड मैं जंप करूंगा। ओके मैं जंप कर रहा हूँ। व्हाट द हेक, व्हाट इज दिस थिंग? ये स्मोक का है क्या? अभी मेरे अंदर आ रहा है क्या? व्हाट, और यहाँ पे बेडरॉक है? डूड मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि जगह क्या चीज की है, बट इतना जरूर समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ से बाहर किस तरह निकलूं। मेरे पास कुछ है क्या? वूल है, चलो इसको यूज करते हैं। नाइस, मैं बाहर निकल आया, इजी था ये। ओके ओके नाउ इट्स अबाउट टाइम टू एंटर दिस डेंजरस टावर। आई डोंट नो इसके अंदर क्या होने वाला है, बट मैं जा रहा हूँ क्योंकि आई एम अ ब्रेव। व्हाट व्हाट इज दिस? बार बार तुम नहीं करने का, हमें ना किया ना तेरे को, तो ये क्या चीज है?
नॉट अ डायमंड क्रैक बलाश बलाश जैम आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हें ऊपर तो आ गया बट आई डोंट सी एनी टाइप ऑफ कॉर्नर और समथिंग लाइक दैट। सो मतलब ये एरिया सेफ है बट वेट अ मिनट दिस चेस्ट लुक सस्पिशियस आई डोंट नो व्हाई बट ये थोड़ी नॉर्मल चेस्ट से अलग दिख रही है फॉर सम रीजन। इसके यहाँ पे ये कुछ लाल लाल कुछ लगा हुआ है जो मुझे कुछ काइंड ऑफ अलग लग रहा है क्योंकि नॉर्मल चेस्ट में ऐसा नहीं होता है। मैं तुम्हें क्राफ्ट करके दिखाता हूँ रुको रुको ओके मुझे ये भूल लेना है। वेट अ मिनट व्हाट द हेक इज दिस अ टीएनटी वेट अ मिनट डूड यहाँ पे टीएनटी है व्हाट ओके मैं समझ गया ये चेस्ट ट्रैप चेस्ट है मतलब अगर मैं इसको ओपन करता तो यहाँ पे टीएनटी बम ब्लास्ट होता। अच्छा है मैं बच गया। अच्छा है मैंने ये लाल लाइन नोटिस करी क्योंकि अगर ये मैं नोटिस नहीं करता तो ये टीएनटी ये खतरनाक लाल लाल टीएनटी मेरे ऊपर थोड़ी आते और बेचारा बच्चा मर जाता। लेकिन डोंट वरी आई एम नॉट गोना डाई आई एम सीरियस मैं मरने नहीं वाला हूँ। आई होप डायमंड जो मुझे एक पोर्टल खोलने में मदद करेगा मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ कौन सी पोर्टल है वो। ओके शील्ड टालवॉट शील्ड ऑफ आयरन बेन ऑफ इलेजर क्या ये माइनक्राफ्ट की बुक है? ना आई डोंट थिंक सो कि ये माइनक्राफ्ट की बुक है। देखो ये चेस्ट के आजू बाजू कुछ रेड रेड लाइन बनी है एंड ये अपनी नॉर्मल चेस्ट जिसको ओपन करने से कोई भी टीएनटी बम ब्लास्ट नहीं होता है। इसके आजू बाजू बस एक कोई ब्लैक लाइन बनी है जो नॉर्मल चेस्ट होती है यहाँ पे रेड है। गाइस योर टीचर इज हियर वेल मोर टीचर या आई एम अ टीचर ना होमवर्क करके आना। ओके तो मैंने ये नोटिस करा कि मैंने ये बुक्स तो पढ़ी है ही नहीं मेरे ये इन्वेंटरी में कब से है ये बुक्स क्रॉनिकल ऑफ शैडोस एंड लेक्सिकन क्रिस्टलन आई डोंट नो व्हाट द हेल थिंग इज द मीनिंग ऑफ दिस टू थिंग ओके बट लेट्स ट्राई टू रीड दिस थिंग क्रॉनिकल ऑफ शैडोस गाइड टू अपोथियोसिस I pronounce it right. Welcome to the world of apotheosis. Apotheosis is organized into modules and so on. यहाँ पे कुछ categories आती है. So यहाँ पे adventure modules आता है, enchanting module आता है, और garden module आता है, potion module and spawner village and entry index. So इसमें से मैं ये sword में कुछ ज़्यादा अच्छे लगेंगे तो I'm going with this one. Okay. Formerly known as the deadly module. The adventure module allows you to gear up with a product to the general Okay. तो मेरा प्लान सुनो ये जो दो बुक है आई डोंट थिंक सो कि ये दो बुक्स को मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ एंड ये दो बुक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज लिखी है क्योंकि तुम ये भी देख सकते हो ये कुछ मिथिंग का समथिंग लाइक दैट लिखा है। तो मुझे इन दोनों को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा बट नॉट इन माई इन्वेंटरी क्योंकि भाई साहब मेरी इन्वेंटरी में वैसे भी तुम देख सकते हो कि सिर्फ तीन स्लॉट्स बचे। मैं मानता हूँ कि मेरी इन्वेंटरी में बहुत सारा फालतू सामान भी है मैं इसको बाद में फेंकूंगा बट ये दो चीजों को मेरे को प्रिजर्व करके रखना है। तो मेरे पास एक प्लान है मैं क्या करूंगा वैसे भी ये लोकेशन मेरा स्पॉन है एंड यहाँ पे एक वेव स्टोन भी है तो इसकी चेस्ट में मैं ये दो बुक को रख देता हूँ। ओके तो मेरे को इसका बस नाम याद रखने का है क्रोलोरी अभी एक और काम रहता है जो है इस गोल्ड को स्टील करना। आई नो मेरे पास और भी बहुत सारा गोल्ड पड़ा है बट मुझे ये गोल्ड को स्टील करना है आई डोंट नो व्हाई बट आई नीड टू स्टील दिस थिंग। बट इस गोल्ड को स्टील करने के लिए मेरे को कुछ ब्लॉक्स चाहिए क्लाइम करने के लिए एंड मेरी इन्वेंटरी में ब्लॉक्स है ही नहीं। सो या फाइनली इट्स अबाउट टाइम टू कलेक्ट सम वुड। यो आई एम बैक कुछ इश्यू आ गया था मेरे माइक के साथ तो मेरे को एडिटिंग के अंदर डबिंग करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। तो अगर जिसको नहीं पता होगा तो मुझे यहाँ पे आयरन मिला था मैंने उसको यहाँ पे वैसा स्मेल करने डाला था जो मुझे अभी मिल गया है और मुझे ये आयरन से एक बकेट बनानी थी क्योंकि वैसा मेरे को ट्विलाइट फॉरेस्ट में जाना था एंड इस तरह बकेट नहीं बनती मेरे को पता है। यो बना लिया फाइनली। ओके तो अब मेरे को पानी ढूंढना है फ्लावर्स भी चाहिए तो वो भी ले लेता हूँ। ओके तो कौन सी जगह ये जगह आएगी सब सही है। ओके मुझे एक और बकेट ऑफ वाटर चाहिए। ओके एंड अब हम तो ओवर एक्टिंग नहीं करने की मैं चला यार आई एम एक्साइटेड ट्री लाइट फॉरेस्ट यो व्हाट इज दिस ये क्या चीज है ये क्या है व्हाट ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिल गया। देखो मैं इतना भी न्यूब नहीं हूँ मेरे को पता है कि नागा कौन होता है एंड मेरे को इतना भी पता है कि मेरे को सबसे पहले नागा को बीट करने का। आई थिंक सो आयरन के आर्मर में और ये गोल्ड की स्वॉर्ड से तो नागा मर ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से क्या कहते हो। लेट्स सी मेरे पास एक ब्लास्ट आयरन हेलमेट ऑफ स्पेल वार्डन भी है
और एक नॉर्मल गोल्डन हेलमेट भी है जिसमें थॉन्स ही लगा है, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये 2 आर्मर दे रहा है एंड ये मेरे को 3.5 आर्मर दे रहा है प्लस 9% नॉकबैक रेजिस्टेंस दे रहा है और 3 हेल्थ भी दे रहा है। सो आई थिंक सो दिस इज गुड। या मेरा एक हार्ट भी बढ़ गया। आई लाइक दिस वन। ओके तो इनफ फूड तो हो चुका है। मेरे पास एक शील्ड भी है, एक गोल्डन स्वॉर्ड भी है। सबसे पहले तो मेरे को इंड्रेंडियर को मारना है। मर गया यार, कितना तेज है ये। ओ मर गया। ओके मुझे इससे ये रॉ वेनिशन मिला ये डियर को मारने से। तो लेट्स सी कि मैं इसको कुक करता हूँ तो मुझे क्या कुछ इफेक्ट मिलता है क्या। लेट्स सी। ओके तो मुझे ये मिल तो चुका है लेकिन मेरी हंगर अभी कम नहीं है। देख सकता हूँ मैं ईट कर सकता हूँ ना। ना आई कान ईट। आई थिंक से ये पहला बॉस है तो मुझे इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। बट थोड़ी तो दगदग हो रही है क्योंकि भाई मेरे पास एक आयरन आर्मर है सी और गोल्ड की स्वॉर्ड से मार रहा हूँ जिसका डैमेज सिर्फ 4 है। देखते क्या होता है। और गोल्डन एक्स जिस जो अभी खत्म हो जाने वाली है। तो देखते क्या होता है। ओके सो आई एम रेडी। मैं रेडी हूँ। लेकिन यार एक सेकंड रुक जा भाई, ये जो ब्लॉक थोड़े क्रीपी लग रहे। यू कैन जस्ट सी नाउ ये क्या है। ये क्या है डूड, ये क्या है। यहाँ पे एक आग बनी हुई है। यहाँ पे मतलब एक स्नेक ही है, काइंड ऑफ अ स्नेक है। देखो यहाँ पे इसकी टेल और ये यू करके इसकी बॉडी और यहाँ पे इसका से। तो मतलब मैं इसे समझ चुका हूँ कि यहाँ पे नागा कैसा एक मॉन्स्टर होगा। वो थोड़ा डर लग रहा है, मेरे को नहीं पता, मेरा आर्मर बहुत वीक है। ओके मुझे दिख गया है, वो ये रहा एंड उसने भी मुझे देख लिया। आएगा तो शॉट पकड़ लेता हूँ। ये रहा ये रहा। ओ माय गॉड व्हाट द हेक ब्लॉक। अबे यार ये ओ मैं नीचे गिर गया, मैं नीचे गिर गया। ओए ओ ओ ये क्या सो गया भाई, ये सो गया। व्हाट। अरे मैं समझ गया। शील्ड का यूज करके मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। इतना तो लोगों को समझ में आ गया क्योंकि देखो ये एकदम चार्ज करके अटैक करता है मेरे को एंड जब भी अटैक करता है तब मैं अपने शील्ड को यूज करता हूँ ना तो सो जाता है ये। मतलब इसका सर हपलाता है तो ये सो जाता है। ले मार। ओके सो गया, फिर से सो गया एंड अब ये चांस है मेरे को मारने का इसको। ओके चार्ज हुआ ये फिर से। ओके मारा, मेरे को जरा भी डैमेज नहीं हुआ। शील्ड है ना, मेरे को जितना हो सके उतना डैमेज लेने की कोशिश करनी। ओके 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 नाइस। ओके अभी फिर से चार्ज करेगा, फिर से चार्ज कर रहा है एंड मारा, फिर से सो गया। ओके सो नहीं गया एक्चुअली, इसको चक्कर आ गए या मतलब सर हपलाया तो मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। फिर से चार्ज कर रहा है। ओके ओके मार। ओ इस बार नहीं सोया ये, इस बार नहीं सोया। ओके मैं शील्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। ओके मेरी हेल्थ बहुत कम हो रही है। प्लीज डोंट अटैक मी, डोंट अटैक। मार ही नहीं पा रहा हूँ मैं। मार ले मार ले मार। अभी तो ये तो सो ही नहीं रहा यार, अभी इसका सर चकरा नहीं रहा है क्या। डूड ये बहुत चालाक है यार कसम से। ओ सो गया सो गया। ओ मेरी स्वॉर्ड टूट गई, मेरी स्वॉर्ड टूट गई। नो दिस ये गलत हुआ है। ओके ओके सो गया। ओके ओके यार बस एक ही हिट है, वेट एक ही हिट है। चल मार ले। ओ अब हो गया, अब मैं इसको 3rd person में मारूंगा। ये मर गया। ओके इज दैट। ये थोड़ा नल्ला था, मैंने इसको आयरन के आर्मर मारा दिया। जी मैं इतना प्रो, तुम्हें अजू भी यकीन नहीं होता है तो मैं इसके नेक्स्ट बॉस को भी हरा सकता हूँ ट्विलाइट फॉरेस्ट के। सच्ची मजाक नहीं करता, बट मुझे पता नहीं वो कौन है और कहाँ मिलेगा। मेरे को इतना पता है कि ये मरता है तो कुछ ना कुछ ड्रॉप करता है, बट यहाँ पे कहीं भी ड्रॉप नहीं है यार। व्हाट द है, वेयर इज द ड्रॉप। ओके आई सी द चेस्ट हियर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ ट्रैप वैप तो नहीं है ना भाई। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, क्या अगर ये चेस्ट खोलूंगा तो कोई TNT तो नहीं फूटेगा ना। हाँ ओके मैं रिस्क ले रहा हूँ। एक सेकेंड ये क्या चीज है। ओके चेस्ट खोलता हूँ। यो क्या है ये नागा ट्रॉफी। एक सेकेंड क्या मैं इसको पहन सकता हूँ। बहुत एक आ गई अबे। अरे ये रही। एक मिनट। ओ नाइस आई लाइक दिस थिंग। थोड़ा सा क्रीपी लग रहा है बट ही इज क्यूट, ही इज काइंड ऑफ क्यूट है ना, है ना, है ना। ओके और मुझे यहाँ पे एक और चीज मिली है जो है नागा स्केल। नागा स्केल एक सेकेंड, इसका मैं क्या कर सकता हूँ। क्या इसका मैं कुछ आर्मर बना सकता हूँ, चेक करके देख लेते हैं। चेस्ट प्लेट बनाने की कोशिश करता हूँ। यस मैं राइट हूँ। फायर प्रोटेक्शन 3 का एक आर्मर बनेगा जो 7 आर्मर देगा। तो ये 6 आर्मर दे रहा है मेरे को एंड ये मेरे को 7 आर्मर दे रहा है।
which is kind of good क्योंकि मैं इसको फेंकने वाला हूँ, मैं इसको पहनने वाला हूँ। Let's see ये कैसा दिख रहा है। Oh my God, dude, this look insane. I swear, यार ये क्या लग रहा है यार, देखो ये चेस्ट थोड़ी यूनिक लग रही है मेरे। ये चेस्ट मेरे को थोड़ी अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर लगानी है, तो मैं इसको ग्रैब करने वाला हूँ। एक सेकेंड, ये कौन सा ब्लॉक है? अरे ये वही है ना जो यहाँ ये इसकी वॉल्स पे लगे ले, ये वाले। हाँ देखो देखो ये रहा ये रहा, ये भी कुछ अच्छे खतरनाक ब्लॉक रखते है, तो मैं इसको भी लेने वाला हूँ। तो इसको ड्रॉप करूँ, डर्ट ड्रॉप कर देता हूँ, आई डोंट नीड डर्ट। ओके तो ट्विलाइट फॉरेस्ट के अंदर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारी चीज है, लेट्स सी द मैप। ओके तो मैं कहाँ स्पॉन हुआ था, आई फॉरगॉट माय, इनमें से मैं कहीं चार जगह पे स्पॉन हुआ था, यहाँ 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 और यहाँ कहीं, बट मुझे नहीं याद है कि मैं कहाँ स्पॉन हुआ था। तो मुझे अखा पूरा इसका राउंड फिरना पड़ेगा, इट्स गोना टेक अ वाइल, बट लेट्स गो। तो पोर्टल ढूंढने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ट्विलाइट फॉरेस्ट में बहुत सारी चीजें देखने, तो एक्सप्लोरेशन मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीका है ट्विलाइट फॉरेस्ट को एंजॉय करने का। तुम्हें पता है मेरे को कितना एक्सप्लोरेशन पसंद है। ओ भाई साहब ये क्या है, यहाँ के ट्रीज बहुत ज्यादा ही बड़े भाई, एंड ये वाली फॉरेस्ट में कुछ अलग टाइप की लग रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डार्कनेस है। A few moments later. एक मिनट, आई थिंक आई फाउंड समथिंग जो मुझे अभी शायद तक नहीं करना चाहिए था, बट अब फाउंड कर ही लिया है, तो जाके देखते हैं कैसा रहता है। ओके मेरे पास तीन आयरन है जिससे मैं एक स्वॉर्ड बना सकता हूँ, कि मेरे को एक टाइप का डंजन जैसा लग रहा है, बट आई एम काइंड ऑफ स्कैर्ड। मेरे को इतना जरूर पता है कि ये नेक्स्ट वाले बॉस का रूम है। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है जिसकी दो आंखें जो चमक रही है। व्हाट इज दिस थिंग मैन, क्या है ये, क्या हॉस्टल है ये, मारते है ये भूखे भाई, व्हाट द हेक। वे एक सेकंड दूर दूर भाई, ये लोग पेपर फिर के मार रहे, लेकिन डैमेज में तो हो तो नहीं रहा है। क्या ये क्या टॉप करा है लोगों ने, पियर्सिंग क्नाइट मेटल स्वॉर्ड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जिसका डैमेज भाई साहब 9.25 अटैक डैमेज, 1.6 अटैक स्पीड एंड एंटी के, एंड बहुत सारी चीजें है यहाँ पे। आई काइंड ऑफ लाइक दिस वन, क्योंकि ये वाली जो स्वॉर्ड, व्हाट द है, कौन मारा, अरे कौन मार रहा है, डूड स्नो ने इसका ऐसा कलर दे रहा है मुझे, मर जा अबे मर जा। तो ये वाली स्वॉर्ड मेरी ये वाली स्वॉर्ड से ज्यादा अटैक डैमेज देती है, एंड आई काइंड ऑफ लाइक दिस वन, क्योंकि इसका नाम भी अच्छा है, थोड़ा बड़ा है बट अच्छा है। चलो लेट्स गो टू द ओवर वर्ल्ड, आई एम बैक एट माई होम, तो मैंने बनाया ही नहीं। हाँ नेक्स्ट एपिसोड में बना लेंगे, वो बॉस को मारने के बाद मैं घर बनाऊंगा। ओके आई थिंक सो, ये वीडियो के लिए इतना होना चाहिए, क्या बोलते हो, बाय, गुड डे।